हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जा रहा हूँ महादेश्वर टेम्पल, जिसे मैं एक्सप्लोर करूँगा। जैसे कि अभी सावन चल रहा है, अरे सावन का महीना में शिव मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो आज हम लोग जाएंगे रालकिला टू महादेवसर। अभी हम लोग मैंने सोचा था कि मैं रोड से जाऊँगा, मगर मुझे रोड से जाने के लिए लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाएगा। मगर सबसे ईजिएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा ट्रेन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जर्नी महादेवसर टेम्पल। तो बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाता हूँ कि हम लोग रालकिला टू महादेवसर कैसे जाते हैं और महादेवसर का टेम्पल कैसा है। तो रहिए, बने रहिए वीडियो में और वीडियो का मजा लीजिए। अभी मैं पहुँच गया हूँ रालकिला स्टेशन। आप देख सकते हैं कि ट्रेन खड़ी है, जो कि यही ट्रेन है जो हम लोग उनको महादेवसर लेके जाएगी। और ये ट्रेन अभी 5वां प्लेटफॉर्म में खड़ी है। और ये ट्रेन लगभग 6:30 या तो फिर 7 बजे छोड़ती है रालकिला से। और इस ट्रेन का नाम है रालकिला चक्करधरपुर एक्सप्रेस, और इसे रालकिला चक्करधरपुर इंटरसिटी भी कहते हैं। ये ट्रेन का स्टॉपेज लगभग सिर्फ 3 या 4 स्टॉपेज ही है। इस ट्रेन को महादेवसर पहुँचने में लगभग 1 घंटा के आसपास ही लगेगा। हाँ तो दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूँ महादेवसर स्टेशन। लगभग 1 घंटा के आसपास लगा रालकिला से महादेवसर आने के लिए। और यहाँ पर ही जो लोग कल से आए हुए हैं, जो रात से आए हुए हैं, जो लोग सुबह सुबह आए हुए हैं, जिनका पूजा हो गया है, वो सब प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हैं, अपना अपना वेट कर रहे हैं ट्रेन का। अब हमारा भी ट्रेन पहुँच चुका है महादेवसर। तो चलिए, अब मैं भी उतरता हूँ ट्रेन से, बस ट्रेन रुकने ही वाली है। अब हम पहुंच गए हैं महादेवसर। ये वाला ट्रेन अभी चक्करधरपुर जाएगा। जो लोग चक्करधरपुर साइड से आए हैं, सोनवा साइड से आए हैं, उन के लिए ट्रेन है अभी। ये वाला ट्रेन लगभग 2 घंटा के बाद में वापस आएगा। वैसे तो आज सावन का आज आखिरी सोमवार है, और आज काफ़ी भीड़ रहेगी आज मेले में भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेडीज़ लोगों का बहुत सारा आइटम यहाँ पर रखा हुआ है। बहुत सारे चेन से, लॉकेट से, और क्या बोलते हैं, कपड़े वपड़े भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। सिर्फ आपको हर जगह में सिर्फ लेडीज़ आइटम ही दिखे देंगे। जितना भी है सारे कॉस्मेटिक्स है लेडीज़ के, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। और यहाँ पर चूड़ियाँ भी दिख रही है लेडीज़ के लिए, बहुत सारे ढेर सारे चूड़ियाँ हैं और बहुत खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ का आइटम में कुछ कमी नहीं है। जहाँ पर भी देखेंगे सिर्फ कॉस्मेटिक्स पूरा भरा हुआ है, पूजा के सामान से पूरा भरा हुआ है, बहुत सारा है यहाँ पर। और यहाँ पर स्वीट्स का भी स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ही अलग अलग प्रकार के स्वीट्स हैं, बहुत डिफरेंट टाइप का स्वीट्स है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर तो मैं देख करके चौंक गया कि मैंने पहली बार, मतलब कि यहाँ पर महादेवसर में कहीं पर सांप देखा। और जो सांप लेकर के आया था, वो कह रहा था कि ये कोबरा है, और उसके पास शायद गिन करके शायद 7 सांप थे कह रहा था, मगर मैंने देखा एक ही। और आप देख सकते हैं कि एक श्रद्धालु का श्रद्धा, इसने कि सांप को निकाला और सांप से आशीर्वाद लिया सांप को पकड़ करके। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मगर इसलिए मैंने टच नहीं किया। चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और मंदिर में प्रवेश करते ही देखेंगे कि मंदिर के लेफ्ट साइड में, मंदिर के राइट साइड में सब लोग तिलक लगाने के लिए बैठे हुए हैं। जो लोग लेडीज़ है, बूढ़े लोग हैं, बहुत सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 10 रुपये में तिलक लगा रहे हैं। और मंदिर के अंदर में ही एक कुआँ है, जहाँ पर मंदिर में जल चढ़ाने के लिए एक कुआँ से ही जल लेना पड़ता है। यहाँ पर 2 लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर जो लोग कंटिन्यू बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं।
किसी श्रद्धालु को पानी निकालने नहीं दे रहे हैं, वही लोग निकाल रहे हैं पानी, अच्छी बात है। वही लोग नहीं पानी निकाल दे रहे तो अच्छी बात है। ये महादेव साल का एक कहानी भी है जो मुझे अभी भी पता चला। कहते हैं कि यहाँ का शिवलिंग खंडित है। कहते हैं कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर रेल लाइन बना रहे थे, जब पटरी बना रहे थे, तब मजदूर लोगों को पहाड़ काटते हुए एक शिवलिंग दिखाई दिया। तो मजदूरों ने मना कर दिया कि हम लोग काम नहीं करेंगे। मगर फिर अंग्रेज़ ने आया, अंग्रेज़ ने एक फावड़ा मारा और वो शिवलिंग को तोड़ दिया। तो अगले ही दिन ऐसा पता चला कि वो अंग्रेज़ गुजर गया। उस दिन के बाद से यहाँ पर लोग पूजा करना शुरू कर दिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मंदिर के अंदर में और देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लेडीज़ लोगों का लाइन बहुत ही लंबा है लड़कों के मुकाबले में। लड़के कम से कम 100 के आसपास होंगे, अगर लड़कियां यहाँ पर ही, लेडीज़ लोगों यहाँ पर ही कम से कम 200 से 300 के आसपास में है। मंदिर के अंदर में पर लाइन लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि मंदिर का एरिया भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत मेंटेन किया गया है मंदिर को। और सारे ऊपर में आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो सिक्योरिटी गार्ड लोगों के लिए है, और जो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु लोगों उनका रहने के लिए है। और ये अंदर से है मंदिर का व्यू।
हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं माधवसाल के स्टेशन में खड़ा हूँ। आप जो देख रहे हैं इस साइड हम लोगों का ईस्ट साइड है, जिस साइड से हावड़ा की सारी ट्रेन इस साइड आती है, और हम लोगों का अपोजिट में है वेस्ट साइड, जो कि हम लोग जाएंगे मुंबई, लालकिला, झारसुगड़ा, उस साइड जाएंगे। तो हम लोगों का ट्रेन हम लोगों का प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आने वाली है, तो अभी बस थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा और आधा घंटा के आसपास में हम लोग का ट्रेन पहुँच जाएगी। देखिए माधवसाल का व्यू देखिए, ऊपर से स्टेशन का व्यू कितना अच्छा दिख रहा है, जंगल के बीचों बीच पर स्टेशन है, और यहाँ पर अभी काफ़ी लोग आ चुके हैं, बहुत भीड़ होने वाला है ट्रेन में, और लगभग हमारी ट्रेन आ भी चुकी है। हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो यहीं पर रखता हूँ, काफ़ी भीड़ हो गई यहाँ पर स्टेशन में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।